माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, और साथ में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेगा एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे। साइन कन्वेंशन इसलिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स होंगे उसके जो फॉर्मूले रहेंगे तो उस फॉर्मूले में हमें साइन की बहुत नीड होती है। अगर हम साइन गलत पुट कर देंगे तो हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए इस वीडियो में मैं साइन कन्वेंशन बहुत इजी तरीके से आपको क्लियर करूंगा, एक बहुत इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप हमेशा याद रखेंगे और फिजिक्स में रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन का न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब मैं कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ जो इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में। लास्ट वीडियो जो मेरा था उसमें मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था और कॉनकेव मिरर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं वो डिस्कस किया था। तो आज हम कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो स्टूडेंट, रूल नंबर वन बहुत ईजी है, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में भी पढ़ा था। थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे ये जो आ रही है, ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के देख रहे हैं आप, पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है और ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे उसके पैरेलल आ रही है स्टूडेंट। अब जैसे ही यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक करते इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे ही ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है स्टूडेंट, तो हमें क्या लगता है ये कहाँ से आ रही होगी, फोकस से, क्योंकि जब मैं इसका पीछे ट्रेस करूँगा पा तो मुझे क्या लगता है फोकस से आ रही, पर एक्चुअल में फोकस से नहीं आ रही। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, मतलब हमें अपीयर होती है फोकस से आते, मतलब हमें क्या अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से आ रही है स्टूडेंट। तो रूल नंबर वन क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो अपीयर होती है कि वो फोकस से आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और इसको रिफ्लेक्ट कराना है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कराना है कि हमें लगेगा कि ये कहाँ से अपीयर हो रही है, फोकस से अपीयर हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड्स लाइन्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे डॉटेड्स लाइन बनाई है और ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ से स्टूडेंट। तो ये रूल नंबर वन है हमारा। अब रूल नंबर टू पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो रूल नंबर टू ईजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो ये एरो देखिए, अब ये इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, पर जैसे ही इंसिडेंट रे आती है तो ये हमें क्या लग रहा है, ये कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर उससे पहले बीच में मिरर है और ये मिरर है तो ये यहाँ पे टकरा गई है, तो इस पॉइंट से टकरा के वापस जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी अपने सेम पाथ से। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी तो जैसे वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगी अलोंग द सेम पाथ स्टूडेंट। जैसे इसको मैं और इजीली समझाना चाहूँ आपको, मान लो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया है स्टूडेंट्स। अभी आप देख सकते हैं ये पोल होगा, ये वाला पॉइंट हमारा, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोकस है आपका और ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो एक इंसिडेंट रे बिल्कुल इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट, कि ये इस तरीके से ही बिल्कुल प्रिंसिपल, अब ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से पास होने की कोशिश करी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्ट बैक भी अलोंग द सेम पाथ होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, आप ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोल है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट, ये फोकस है
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है। अब मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हुए आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है स्टूडेंट। अब ये इंसिडेंट रे आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये आपको इंसिडेंट रे दिख गई होगी। अब ये जब आगे जाएगी तो ये यहाँ पे जाके टकरा जाएगी इस पॉइंट पे। अब ये आप इसको जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूँगा स्ट्रेट लाइन, तो ये बिल्कुल लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कैच अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है। अगर मान लीजिए मैं इस इंसिडेंट रे को यहाँ से लेके जाऊँ, ये इंसिडेंट रे मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई, अब मैंने इसको पीछे ट्रेस करा तो ये कहाँ पर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को कि रूल क्या आएगा कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करेगी तो वो जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ये रूल नंबर टू आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब मैं आ रहा हूँ रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री जस्ट अपोजिट होता है रूल नंबर वन के। रूल नंबर वन क्या था स्टूडेंट, कोई भी इंसिडेंट रे, ये रूल नंबर वन में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। रूल नंबर वन एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, ये आप देख सकते हैं पोल, ये फोकस, और इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला फोकस। अब मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी यहाँ से। अब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई थी तो ये हमें कहाँ से अपेयर होती दिख रही थी, फोकस से दिख रही थी स्टूडेंट। तो अब रूल नंबर थ्री क्या बोल रहा है आपसे कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है, देखिए ये फोकस की तरफ जाने की कोशिश, ये इंसिडेंट रे आप देखिए एरो इंसिडेंट रे है, ये इस तरीके से आ रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, ये आपको इंसिडेंट रे दिख रही होगी, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है स्टूडेंट। अब ये इंसिडेंट रे आ रही है तो आप देख रहे हैं ये कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, फोकस की तरफ, ये आप देख सकते हैं फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है, पर ये उससे पहले यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगी तो ये फोकस की तरफ नहीं जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही रूल है, अरे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, जिसके आप देख रहे हैं अरे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है, टूवर्ड्स द फोकस, पर जैसे मिरर से स्ट्राइक करेगी तो वो कैसे होगी, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर थ्री स्टूडेंट। अब रूल नंबर फोर पे आ रहे हैं हम। रूल नंबर फोर देख रहे होंगे कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कोई भी इंसिडेंट रे, अब देख रहे हैं ये वाली इंसिडेंट रे आपको दिख रही है स्टूडेंट यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंसिडेंट रे स्टूडेंट हमारी, ये इंसिडेंट रे आ रही है, और ये इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, तो आप देखिए ये कुछ एंगल बना रही है नॉर्मल से, ये एंगल नॉर्मल है, ये जो लाइन है लाइन नॉर्मल रहेगी और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी वो भी सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, तो ये आर होगा, और ये क्या होता है आई इक्वल टू आर, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उसको ओबे करेंगे हम लोग। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर के तो रिफ्लेक्ट बैक होगी मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस बार पोल ही हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। आपको जो मेरे वीडियोस हैं स्टार्टिंग के, आपने वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझाया था, डायग्राम्स बताए थे, तो मैंने बताया था पहले इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे के बाद जैसे ही इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टकराएगी वो होता है पोल, और पोल को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब मिरर में उसको पोल बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाई तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो यही रूल हैगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है पोल पे कॉन्वेक्स मिरर के तो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी बाय मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बेसिक्स हैं फोर रूल्स जिनको हम यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। आई थिंक आपको ये चार रूल्स क्लियर होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं जैसे कि हमने कॉन्केव में पढ़ा था, बस यहाँ पे ध्यान रखना है रूल नंबर फोर तो एज इट इज़ पूरा सेम है। रूल नंबर फोर आपको ध्यान होगा
कॉनकेव मिरर में भी बिल्कुल ऐसे ही है। कॉनकेव मिरर में भी आप देखेंगे तो कॉनकेव मिरर में भी रूल नंबर 4 यही था। पर अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर 3 वहाँ पे भी यही था, पर वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में जो होती थी फोकस से, जैसे यहाँ पे लिखा है कि फोकस से अपियर हो रही है, फोकस की तरफ अपियर हो रही है, पर वहाँ पे एक्चुअल में फोकस से पास हो जाती थी। कॉनकेव में एक्चुअल से फोकस से पास होती, पर यहाँ पे सिर्फ अपियर हो रही है, मतलब फोकस पे जा नहीं रही है, फोकस की तरफ आप देखेंगे तो ये अपियर हो रही है, फोकस की तरफ अपियर हो रही है, मतलब उधर जाने की कोशिश कर रही थी, पर बीच में मिरर आने की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई और कैसी होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बेसिक ये 4 रूल्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं 4 रूल्स का हम यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो रूल नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 1 क्या था स्टूडेंट, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस की तरफ अपियर होती, मतलब वो हमें लगता है ये फोकस से आ रही है। सेकेंड रूल आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस जाएगी। रूल नंबर 3 आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी रे अगर फोकस की तरफ अपियर हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 4 स्टूडेंट, कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती है पोल पे तो वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक्स 4 रूल्स आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं 4 रूल्स को हम लोग इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप की इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा जब मैंने कॉनकेव मिरर के केसेस डिस्कस किए थे तो वहाँ पे मैंने आपको इमेज का नेचर बताया था, इमेज की पोजीशन बताई थी और इमेज का साइज बताया था। वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी डिस्कस करना है। नेचर का मतलब क्या था, या तो रियल और वर्चुअल होंगी या इन्वर्टेड और इराइट होंगी। और मैंने हमेशा बोला है जब भी रियल इमेज होगी तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आएगा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। और वर्चुअल होगी तो वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब मेरा हेड ऊपर ही रहेगा, टॉप टॉप पे ही रहेगा और बॉटम बॉटम पे रहेगा। और जबकि हम अगर बात करते हैं रियल इमेज की तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी बनती है, मतलब मेरा टॉप जो रहेगा, मतलब जो मेरा हेड होगा वो मेरे फुट की जगह पे होगा और फुट मेरे हेड की जगह पे होगा, मतलब जस्ट उल्टी बनेगी इमेज। तो ध्यान रखना आपको रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। तो फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि प्रैक्टिकली तो समझ में आ रहा है पर हमें अपनी नोटबुक में कैसे पता चलता है। तो मैंने बताया था जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करेंगी तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, और अगर वो अपीयर्स टू मीट होंगी तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। तो अब हम रे डायग्राम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहला केस स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरा ये जो रहेगा पोल रहेगा स्टूडेंट, ये मेरा पोल है यहाँ पे, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देख सकते हैं केस नंबर 1 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे स्टूडेंट, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्फिनिटी से रे कैसी आती है पैरेलल, और कोई भी रे अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी, रूल नंबर 1 क्या था, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से अपीयर होगी, मतलब वो रिफ्लेक्ट होगी, पर हमें लगेगा वो कहाँ से आने की कोशिश कर रही है, फोकस से आ रही है, तो अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ये आपको ध्यान रखना है, ये फोकस है। एक और, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे में 2 चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि एक और ये इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये भी रिफ्लेक्ट हुई है और ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये भी कहाँ पे अपीयर हो रही है, फोकस की तरफ अपीयर हो रही है। अब ये दो जो ये दोनों हैं, या देखिए आप ये जो है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट, एक मिनट, एक ही रिफ्लेक्टेड रे आपको ये दिख रही होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे आपको ये दिख रही होगी, से ये दोनों एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है
और ये इस डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट, तो ये कभी एक्चुअल मीट नहीं करेंगी। पर ये कैसी मीट हो रही है? अपीयर टू मीट। देखिए पीछे अपीयर टू मीट है ये, और अपीयर टू मीट है तो नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ इमेज में यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, नेचर ऑफ इमेज में क्या आएगा? पहला कि नेचर ऑफ इमेज जो रहेगा आपका दैट इज़ वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इरेक्ट। अब ये ध्यान रखना आपको, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एंड लिखा था स्टूडेंट यहाँ पे, ये जो है एंड का साइन है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसके बाद साइज़ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ बिल्कुल कैसा आएगा, पॉइंट साइज़, तो पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, या तो आप पॉइंट बोलेंगे स्टूडेंट, या फिर आप क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, या तो पॉइंट बोलेंगे हम लोग या डिमिनिश्ड बोलेंगे। फिर बात आती है कि पोजीशन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे बन रही है, एट फोकस पे, तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, एट फोकस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेचर जो होगा इमेज का वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, पोजीशन कहाँ पे रहेगी, एट फोकस रहेगी, और साइज़ कैसा रहेगा, पॉइंट एंड डिमिनिश साइज। अब मैं सेकेंड केस पे आ रहा हूँ स्टूडेंट, सेकेंड केस देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब इसमें लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, से मतलब समझिए आप स्टूडेंट, क्योंकि मेरा जो पोल है ये पोल यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको मैं मेंशन कर सकूँ, या तो मुझे यहाँ पे एक इन्फिनिटी वर्ड पड़ता है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है मैथ्स में बेटा, इन्फिनिटी हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है मैथ्स में, तो इन्फिनिटी का सिंबल होता है, एट को लिटा दो, एट को आप ये जो एट ऐसा बनाते हैं, इस एट को आप लिटा दोगे तो ये इन्फिनिटी का सिंबल कहलाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैथ्स में इसको सीखेंगे आप हायर क्लासेस में, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। अब इन्फिनिटी, एक पॉइंट हमें पता है इन्फिनिटी और एक पॉइंट हमें पता है पोल है, इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं पता है, क्योंकि वो सारे पॉइंट कहाँ चला गया, मिरर के पॉलिशिंग वाले साइड पे चला, ये पॉलिश है मिरर, ये मिरर के पॉलिशिंग, और मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता है स्टूडेंट। तो हमारा केस टू क्या कहलाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो स्टूडेंट, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो आप, नेचर चेंज नहीं होगा, एक ही नेचर रहेगा। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस होते हैं, सिर्फ दो ही केस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट केस डिस्कस हो रहा है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं मिला। कॉनकेव मिरर में बहुत सारे पॉइंट थे स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा कॉनकेव मिरर जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो कॉनकेव मिरर में आप ध्यान से समझिए इसको, ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गए थे, और ये सब पॉलिशिंग के अपोजिट साइड थे, तो मतलब मेरे पास इतने पॉइंट थे यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमने पॉलिशिंग की थी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया था, फिर मैंने एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रख दिया था, बियॉन्ड सी कहा था जिसको, एट सी रख दिया था, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया था, एट एफ रख दिया था, बिटवीन एफ एंड पी रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल थे जिनके लिए हमने रूल्स बनाए। अब इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट मात्र पोल हैगा और एक पॉइंट इन्फिनिटी जो बहुत दूर हैगा, तो हम इन दो पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हुआ है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि पहली जो ऑब्जेक्ट से जो पहली लाइन निकल रही है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से आप देखिएगा पहली रे पैरेलल निकली, और आपको ध्यान होगा मैं हमेशा फर्स्ट रे पैरेलल ही निकालता हूँ, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये पैरेलल आई है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, कहाँ पे अपीयर हो रही है, फोकस की तरफ अपीयर हो रही है, आप देख सकते हैं ये फोकस की तरफ अपीयर हुई है। ग्रीन लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, ग्रीन लाइन वाला पाथ देखिए, फिर ब्राउन लाइन वाली देखिए आप, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, और हमने पढ़ा है रूल नंबर टू जो था कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अप्रोच करेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी अलॉन्ग द सेम पाथ, तो आप देख सकते हैं ये इधर गई है तो रिफ्लेक्ट बैक हुई है। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट,
ये वाली जो ग्रीन वाली, ये भी रिफ्लेक्टेड रहे और ये ब्राउन वाली भी रिफ्लेक्टेड रहे, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहे स्टूडेंट, ये देखिए आप इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और ये ए पॉइंट से निकल रही थी क्योंकि मैंने इसको ए पॉइंट माना था, इसको बी, तो इसको हम नाम दे देंगे ए डैश, और ए के जस्ट नीचे बी था तो यहाँ पर बी डैश आ जाएगा स्टूडेंट, और ये इमेज बन गई है। और आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, पर ये कैसे, क्योंकि ये जो होगी ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही होगी कहीं, ये जो मैं ब्राउन वाले के अगर पाथ को रिट्रेस करता हूँ तो जो ब्राउन वाली रे होगी स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये ब्राउन वाली रे है और ये आप देख सकते हैं ग्रीन वाली रे इधर जा रही होगी, तो ये ग्रीन वाली रे इधर जा रही है, तो ये कभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, तो ये कहाँ पे मीट कर रही हैं इधर, और ये अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, इसलिए नेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल के साथ मैंने हमेशा बोला एक वर्ड क्या आता है, दैट इज इरेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वर्चुअल के साथ इरेक्ट। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो ए था और यहाँ पे जो बी है, ए और जो बी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डैश और यहाँ पे बी डैश है, तो यहाँ पे भी ए ऊपर है और यहाँ पे भी ऊपर ही आया है, यहाँ बी नीचे और यहाँ पे नीचे आया है। मैं ए डैश और बी डैश इसलिए लिखा है क्योंकि वो इमेज है, पर ए पॉइंट थी जो था वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब टॉप टॉप है और बॉटम बॉटम है, और हमने यही पढ़ा है कि जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, मतलब इरेक्ट, तो ये नेचर हो गया, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आप समझ सकते हैं पोजिशन, तो पोजीशन आप देख सकेंगे कहाँ पे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट उसने एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखा है तो हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी हमेशा, बिटवीन पोल एंड फोकस ही रहेगी इमेज, कभी भी फोकस के आगे नहीं जाएगी, ये क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट आप लोग को। और अगर उसने बोला है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दूँ, बोलेगा ऐसे मिरर का नाम बताओ, ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी रख दूँ मिरर के सामने, इमेज हमेशा कैसी होनी चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो कौन सी होती है स्टूडेंट, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, वो कौन सा मिरर होगा स्टूडेंट, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर। और एक चीज़ वो और बोलेगा कि साइज़, तो साइज़ इसका हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, मतलब स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लेन मिरर भी ऐसा मिरर है, आप प्लेन मिरर में मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, पर उसमें साइज हमेशा सेम रहेगा स्टूडेंट, गेटिंग माई पॉइंट, ये दो डिफरेंसेस समझो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या अगर उसने बोला एक ऐसे मिरर का नाम बताओ जिसमें ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी रख दूं मिरर के सामने, और इमेज का जो नेचर होना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए, और साइज सेम होना चाहिए, तो उसका आंसर प्लेन मिरर होगा। अगर उसने बोला नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए और साइज स्मॉलर होना चाहिए, तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग को रूल्स क्लियर हो गएंगे और इमेज फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रे डायग्राम आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप स्मूथली पेपर में ड्रॉ कर पाएंगे विद इन अ गिवन टाइम जो भी आपको दिया रहेगा। आप ध्यान रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के रे डायग्राम्स नहीं बना पाएंगे, और केसेस याद होना चाहिए, कॉनकेव के 6 केसेस और कॉन्वेक्स के 2 केसेस, और कॉनकेव में जो 4 रूल्स बताए थे और कॉन्वेक्स मैंने जो है 4 रूल्स बताए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और एरो बनाना कंपलसरी, आप देख सकते हैं मेरे डायग्राम्स में एरो आपको दिखेंगे हमेशा। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई है इमेज फॉर्मेशन की, मैंने कॉनकेव मिरर में भी आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया था मेरे लास्ट वीडियो में, आज मैंने कॉन्वेक्स मिरर में भी कंप्लीट कर दिया है। अब जो स्टूडेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको साइन कन्वेंशन, जो कि न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, तो आज साइन कन्वेंशन में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए साइन कन्वेंशन सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आपने मैथ्स में 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक पढ़ा था आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने माना था ये एक्स एक्सिस होती थी, इसको आप वाई एक्सिस का नाम देते थे स्टूडेंट, ये आपकी एक्स एक्स, एक मिनट, ये आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको आप एक्स नाम दे देते थे, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश, और इसको आप नाम क्या देते थे स्टूडेंट्स, ओरिजिन, ये आपको ध्यान होगा।
तो आप मान के चलिए कि ये जो आपको स्क्रीन पे मैंने कॉनकेव मिरर दिखाया है, आपको समझ में आ रहा है कॉनकेव मिरर है, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वाला काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो है एक्स एक्सिस है। अब ये जो मिरर रखा है तो ये मिरर का ही पोल है, तो पोल को आपको क्या मानना है, ओरिजिन मानना है स्टूडेंट्स, पोल को आपको ओरिजिन मानना है। ध्यान रखिएगा पोल हमारा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। अब ओरिजिन के राइट साइड हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको एक्स लेते थे, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको आप क्या लेते थे स्टूडेंट्स, वाई डैश, तो आप इसको हमेशा पॉजिटिव मानते थे। तो यही मैंने लिखा है, जो भी डिस्टेंस होगा राइट साइड पोल के राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पोल के राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। पोल से राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसे लेना है, पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव। जो आपने मैथ्स में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे वही लेना है। इसको आप पॉजिटिव मानते थे, इसको आप नेगेटिव मानते थे, तो वही मैंने यहाँ पे लिया है। पोल को मैंने ओरिजिन माना हुआ है, पोल से राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करूँगा पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करूँगा नेगेटिव। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात हो गई स्टूडेंट। अब मैं आपको वर्टिकल डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये एक डिस्टेंस, तो ये देख सकते हो आप कि ये वाला जो होता था वाई एक्सिस होती थी हमारी, तो ये पॉजिटिव होता था, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया है जो कि हाइट ही होगी हमेशा। और आप देख सकते हैं इसमें जो नीचे डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव। अब वो चाहे आप इधर मेजर करो चाहे आप इधर मेजर करो स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में आप बस इतना ध्यान रखना, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड करा तो हमेशा कैसे लोगे आप, पॉजिटिव। अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस में वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर किया है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो वो हमेशा कैसे लोगे आप, नेगेटिव लेना है। तो यही साइन कन्वेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर के लिए स्टूडेंट्स। और कॉन्वेक्स मिरर में भी मैं यही यूज़ करूँगा। अब मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं स्टूडेंट, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप ज़रूर इसको ध्यान समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे लिखा है साइन इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जब भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो आपको साइन इन्हीं चार पॉइंट्स अकॉर्डिंग लेना है। जैसे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर हैंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन इज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, ये मिरर जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि आपको ध्यान होगा जब भी हमने कॉनकेव मिरर के केसेस देखे थे तो हमने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा था, तो उसने बोला है कि कोई भी न्यूमेरिकल आए कॉनकेव मिरर का तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेना, नेगेटिव। मतलब यू की वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पुट करनी है स्टूडेंट। कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए कॉनकेव मिरर का, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पुट करनी है। फिर सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, वो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर होता है। मतलब आप साइज समझ गए होंगे इस बात को, ये कॉनकेव मिरर था, आप ध्यान से देखिए ये कॉनकेव मिरर था, तो आप देख सकते हैं इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ एक जगह स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव मिरर था हमारा, ये कॉनकेव मिरर था, तो ये पोल था, ये फोकस था स्टूडेंट, और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हैं ये जो मेजरमेंट करता था मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फोकल लेंथ होती थी और ये क्या होती थी स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है दोनों डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, इनका भी साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए कॉनकेव मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ भी हमेशा आपको कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है स्टूडेंट। दो पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं,
पहला पॉइंट बोलता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेनी है कॉनकेव मिरर में, दूसरा पॉइंट बोलता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव लेनी है कॉनकेव मिरर के केस में। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा है, बोलता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर द डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन इज नेगेटिव। उसने बोला है अगर इमेज कहाँ पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो मैंने छः केस बताए हैं वो आप जब छः केस देखोगे तो वो छः केस में पांच केस में इमेज लेफ्ट साइड बनती है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, इमेज यहाँ कहीं बनी थी, जैसे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप, ये मेरा मिरर था, ये पोल था हमारा, ये फोकस था, ये सेंटर, तो आप देखेंगे इमेज इधर कहीं बन रही थी लेफ्ट साइड इस तरीके से, अलग अलग केस में यहाँ कहीं बन रही थी, और एक केस था जो लास्ट केस था उसमें इमेज यहाँ बनती है। तो वो कहना चाह रहा है कि जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर का फ्रंट पार्ट होता है, लेफ्ट साइड वाला फ्रंट पार्ट होता है, तो बोलता है जब भी इमेज फ्रंट ऑफ द पार्ट बनेगी तो मतलब लेफ्ट साइड बन रही है, तो डिस्टेंस क्या लेके चलना है स्टूडेंट, नेगेटिव। और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, दिस इज द, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बिहाइंड द मिरर होता है स्टूडेंट, तो अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी तो डिस्टेंस कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये और अच्छे से क्लियर होगा जब आपको छः केसेस आपको एकदम से ब्रेन में उसकी इमेज बन जाएगी स्टूडेंट आपके, तो आपको क्लियर होगा कि पांच केस में इमेज लेफ्ट साइड बनी है। आप ज़रूर देखिएगा लास्ट वाला वीडियो और उसको रिकॉल करिएगा कि ये केसेस क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि पांच केस में इमेज लेफ्ट साइड बनती है मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमेशा नेगेटिव लेना है। और एक केस था जो सिक्स केस था जब पोल और फोकस के बीच में रखा था हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में, तो उसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनी थी, और जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी मतलब राइट साइड बन रही है, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये चौथा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। और फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन इज पॉजिटिव, क्योंकि हमने को पता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है हमारा स्टूडेंट, ये कॉनकेव मिरर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और हाइट ऑफ इमेज, हो सकता है हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे आ जाए, हो सकता है हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे आ जाए, ये ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये इमेज के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाइट ऑफ इमेज इज टेकन इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज आप समझ गए होंगे ये जो होती है इरेक्ट इमेज होती है हमेशा, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेना है। जबकि इन्वर्टेड इमेज, तो ये आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड इमेज में आपको साइन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो जब भी आपको साइन में आ जाए कि रियल वर्ड आए, मतलब उससे बोला रियल इमेज है, रियल इमेज स्टूडेंट आई थिंक क्लियर हुआ, रियल मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड में साइन हमेशा कैसे लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। अगर वर्चुअल इमेज है तो मतलब इरेक्ट है, और इरेक्ट में हमेशा साइन कैसे लेके चलना है स्टूडेंट, पॉजिटिव लेके चलना है। तो ये चार साइन कन्वेंशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल में कभी भी गलती नहीं होगी स्टूडेंट। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, इमेज अगर इमेज मिरर के आगे बन रही है, इमेज अगर मिरर के आगे बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनी थी, इन इन्वर्टेड इमेज आप देखिएगा पांच केसेस जो मैंने टोटल छः केसेस बताए थे इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में, तो आपने ध्यान से देखना कि वो फाइव केसेस जो स्टार्टिंग के थे उसमें हमेशा इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, वो रियल और इन्वर्टेड बनी है, और जब भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो वो हमेशा इमेज डिस्टेंस कैसे लेके चलना है आपको, नेगेटिव लेके चलना है। और जब भी वर्चुअल इन इरेक्ट इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस कैसे लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है स्टूडेंट। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज 90% स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इमेज बनना कहाँ इमेज बनेगी ये क्लियर होना चाहिए, कुछ वर्ड्स बताते हैं, अगर उसने बोला रियल इमेज है इन्वर्टेड इमेज है तो क्लियर हो जाना चाहिए कि रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर में हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, तो मतलब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना होगा। ये वही पॉइंट है स्टूडेंट, ये वही पॉइंट है। और अगर कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज है इरेक्ट इमेज है तो बिहाइंड द मिरर बन रही होगी, तो मतलब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, ये आप ध्यान रखिए।
और हाइट की बात करूंगा तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो हाइट पॉजिटिव लेनी है, और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। तो आप बस ये देखिएगा कि अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट आपको हमेशा इमेज की हाइट, इमेज की बात हो रही है, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट की मैंने बात ही नहीं करी अभी। हाइट ऑफ इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट है तो पॉजिटिव लेनी है, रियल और इन्वर्टेड है तो आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है इमेज की हाइट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एच ओ मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि हमने कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस की वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये सारे साइन थे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, सेम है, अगर इस डायरेक्शन में आप मेज़र करेंगे स्टूडेंट, अगर आप इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तो नेगेटिव लेना है, इसको ओरिजिन मानना है, आप अगर वर्टिकली अपवर्ड मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव लेना है स्टूडेंट, और अगर ऐसे मेज़र करेंगे स्टूडेंट या ऐसे मेज़र करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव लेना है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव, और अगर आप इस तरीके से मेज़र करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव, वही रूल्स हैं जो कॉनकेव में, तो वही कॉन्वेक्स में भी वही रूल्स चलते हैं, पोल को ओरिजिन मानना है आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड आपको पॉजिटिव लेना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। तो ये साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होल्ड करेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला चीज़ आप देख सकते हैं, इसने बोला है ऑब्जेक्ट जो है इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आज ही हमने डिस्कस करें दोनों केसेस, तो आपको ध्यान होगा कि दोनों केस में ना ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा हुआ था, एक इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ था, एक्चुअल में लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक ही बात है, आपको ये मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर था स्टूडेंट, ये कॉन्वेक्स मिरर था, इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये देखिए आप कॉन्वेक्स मिरर, तो ये देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से आ रही है, ये लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड से आ रही है, देखिए लेफ्ट साइड से आ रही है, और दूसरा आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट साइड ही रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आपने लेफ्ट साइड ही रखा हुआ है, तो मतलब दो ही केस हैं, और दो केस में ये चीज़ क्लियर हो गई हमको कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेके चलना है आपको नेगेटिव। तो पहला पॉइंट ये है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस को देखिए, लाई बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, मैं वापस आपको डायग्राम में इसको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स कि ये लाई बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर मतलब क्या है, कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस वाले डायग्राम की, ये इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मिरर है, ये मिरर का, क्योंकि ये मिरर का बिहाइंड पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन, और ये सामने फ्रंट पोर्शन है, तो आप देखें बिहाइंड द मिरर फोकस आ रहा है, और कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से जो भी मैं डिस्टेंस पोल से फोकस की डिस्टेंस मैं एफ लूँगा तो वो राइट साइड है, और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लूँगा तो वो राइट साइड है, तो दोनों डिस्टेंस राइट साइड आ रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड पॉइंट आई थिंक आपको अब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई बिहाइंड द कॉन्वेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब ये आपको पॉजिटिव लेके चलना है, मतलब एस और आर आपको पॉजिटिव लेके चलना है। अब बात आ रही है स्टूडेंट्स इमेज, इमेज भी राइट साइड बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, आज ही हमने दोनों केस डिस्कस किए हैं, एक बार फोकस पे बन रही थी और एक बार बिटवीन पोल एंड फोकस पे बन रही थी, तो मतलब कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसमें इमेज डिस्टेंस हमेशा
पॉजिटिव ही लेना है। तीन चीज़ हैं, तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव, और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट, कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज। आपने देखा था कि जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज बनी थी, फोकस पे नेचर क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट वर्ड आया स्टूडेंट। फिर आपने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो भी जो नेचर था वो कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इरेक्ट वर्ड आया है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब हाइट आपको कैसे लेनी है, हमेशा पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेके चलना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब इसमें हर एक चीज़ क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल में हर एक चीज़ क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ और डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव लेना है, इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, और इरेक्ट इमेज मतलब बनेगी तो हाइट जो रहेगी हमेशा पॉजिटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। मतलब देख रहे हैं इसमें कि हर डिस्टेंस पॉजिटिव है, बस एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा बस वो नेगेटिव है, बाकी सारे डिस्टेंस क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने